नमस्कार, मैं खुशवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में खुला पहला मेंटल हॉस्पिटल। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना। छठे चरण में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को इस दिन मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। बस 2-3 महीने का इंतजार, सस्ती होगी बालू की कीमत। मुंबई इंडियंस के हेड कोच बने मार्क बाउचर। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छठे चरण में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को इस दिन मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। दरअसल यह खबर उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है जो कि शिक्षक नियोजन के छठे चरण में चयनित किए गए हैं। इन शिक्षक अभ्यर्थियों को जिला परिषद नियोजन इकाइयों के तहत 28 सितंबर को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। हालांकि इसमें पटना और सारण जिला परिषद को शामिल नहीं किया गया है। इससे संबंधित शेड्यूल बीते दिन गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने जारी कर दी है। इसके साथ ही बताते चले कि पटना और सारण के अलावा सभी जिला परिषद नियोजन इकाइयों द्वारा पहले से निर्धारित काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया था उनकी वेटिंग लिस्ट की सूचना एनआईसी की पोर्टल पर 21 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। ऐसे विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड और सूचीकरण कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने बीते दिन गुरुवार को जारी कर दिया है। इसके साथ ही मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 के लिए आपके फॉर्म भरने की तिथि भी जारी कर दी गई है। ऐसे स्टूडेंट्स 25 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार बिहार बोर्ड ने 13 अंकों का BSEB यूनिक आईडी का प्रावधान किया है। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स परीक्षा शुल्क के साथ साथ बकाया शुल्क भी 25 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। बस 2-3 महीने का इंतजार, सस्ती होगी बालू की कीमत। आगामी महीने में कंस्ट्रक्शन की योजना बना रहे हैं और बालू के बढ़ते दामों से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है। जी हां, आपको बता दें कि भागलपुर और बांका जिले की नदियों की नए सिरे से बंदोबस्ती होगी। नदियों की बंदोबस्ती कराने की मंजूरी मिल गई है। दोनों जिलों की नदियों की बंदोबस्ती के लिए 15 अक्टूबर को बोली लगाई जाएगी। ऊंची बोली लगाने वाले सफल बंदोबस्तधारी का चयन होगा और उन्हें बालू घाट संचालन के लिए वर्क ऑर्डर मिलेगा। आपको बताते चले कि भागलपुर में बालू घाटों की संख्या 9 है तो वहीं बांका में 17 बालू घाटों की बंदोबस्ती होनी है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन की बढ़ाई गई तिथि। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के विभिन्न कोर्स में सत्र 2022-23 में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। बीते दिन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नामांकन तिथि बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी की है। मालूम हो कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दाखिला लेने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। छात्राओं के लिए खास बात यह है कि छात्राओं को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा नामांकन शुल्क में 25% तक की छूट दी जा रही है। आपको बताते चले कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में लगभग 117 कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। बिहार में खुला पहला मेंटल हॉस्पिटल। साल 2000 में हुए बिहार और झारखंड के विभाजन के बाद मेंटल हॉस्पिटल काके के झारखंड में चले जाने के बाद बिहार में इस प्रकार का अस्पताल नहीं था। हालांकि बिहार की अब यह कमी दूर कर ली गई है। अब कोइलवर में नया मेंटल हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी शामिल रहे। भोजपुर जिले के कोइलवर में बना यह मेंटल हॉस्पिटल प्रदेश का ऐसा इकलौता मेंटल हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कुल 272 बेड का निर्माण हुआ है। यह अस्पताल करीब 123 करोड़ रुपए की लागत से बना है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में कुल 14 ब्लॉक हैं, जिसमें 4 अस्पताल ब्लॉक, एकेडमिक, सर्विस, ड्रग एडिक्शन, स्टाफ, डॉक्टर, संकाय क्वार्टर समेत अलग अलग 8 विभाग का निर्माण हुआ है। 7 दिनों के अंदर सरकारी अस्पतालों को करना है ये काम, तेजस्वी यादव का निर्देश। डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने जब से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी ली है काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव अस्पतालों का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था की जांच परख रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने मरीजों की और बेहतर इलाज को लेकर सभी जिला अस्पतालों को 7 दिनों का टास्क सौंपा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने 7 दिनों के अंदर जिला अस्पतालों के अधीक्षक, उपाधीक्षक और अस्पताल प्रबंधकों को जैविक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अस्पतालों में जितने भी शौचालय हैं उनकी रिपेयरिंग, अस्पतालों के वार्ड, OPD और शौचालयों में सफाई रखने का टास्क सौंपा है। यही नहीं, 7 दिनों के अंदर जितने भी उपकरण खराब या बेकार पड़े हैं उन्हें चिन्हित करते हुए अलग कर लिया जाए, आवश्यक उपकरण की सूची तैयार कर उसकी खरीद की दिशा में कार्रवाई की जाए, ऐसा निर्देश तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया है। रेड लाइट को पार किया तो खुद ही ऐसे कटेगा आपका चालान। अगर आपने रेड लाइट को पार करने की कोशिश की या फिर गाड़ी जरूरत से ज़्यादा तेज दौड़ाई तो अब चालान आपका खुद कट जाएगा।
जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजधानी पटना की, जहाँ यह व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि शहर के 30 प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से जल्द ही ऐसे रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे लगाए जाएंगे, जो तस्वीर डीटीओ के रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही शहर के 30 ट्रैफिक जंक्शन पर कुल 360 RLBD कैमरे लगेंगे। हर लेन में 2 कैमरे लगेंगे। शहर के 10 ट्रैफिक जंक्शन पर लगने वाले स्पीड डिटेक्शन कैमरे भी 10 अलग अलग लॉट में होंगे। इनमें हर लॉट में कई कैमरे होंगे, जो अलग अलग लेन, फ्लैंक और सड़कों को कवर करेंगे। डेंगू से रहे सावधान, एसडीपी की खपत 65 यूनिट पहुंची। पटनावासी डेंगू के कहर से सहमे हुए हैं। पटना में इस तरह से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है कि प्लेटलेट्स की कमी होने लगी है। ऐसे में आप सभी को सलाह दी जाती है कि कृपया सोने से पहले कम से कम मच्छरदानी अवश्य लगाएं। पटना के अधिकतर अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या दहाई में आ रही है। वहीं पिछले एक महीने में डेंगू के मामले में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन दिनों शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में प्रतिदिन 65 से 70 सिंगल डोनर प्लेटलेट्स और 60 से 65 यूनिट रैंडम डोनर प्लेटलेट्स की खपत है। प्लेटलेट्स की जरूरत वाले मरीज की सबसे पहले डोनर चाहिए, इसके बाद प्लेटलेट्स निकालने का खर्च देना होता है। बिहार में अभी मॉनसून रहेगा मेहरबान। बिहार में मॉनसून मेहरबान है। मॉनसून की यह बारिश किसानों के लिए अमृत वर्षा के रूप में साबित हो रही है। किसानों के धान की फसल के साथ साथ आगामी रबी फसल के लिए भी उतने ही लाभदायक है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हो रही झमाझम बारिश से लोगों को आग उगलती गर्मी से भी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग पटना के मुताबिक अच्छी बारिश के लिए जरूरी ट्रफ लाइन बिहार पर मेहरबान है। उत्तरी और दक्षिणी बिहार में यह ट्रफ लाइन लगातार आ और जा रही है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बारिश का विस्तार पूरे प्रदेश में है, इससे प्रदेश में बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश की खेती के लिए यह बारिश अमृत वर्षा साबित होगी और यह बारिश प्रदेश में अभी जारी रहेगी। हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में विजयी प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। हिंदी दिवस को लेकर बिहार के पटना में आयोजित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी पखवाड़ा एवं पुस्तक चौरस मेला के समापन समारोह में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचे, जहां बीते दिन देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं पटना के सभागार में पुरस्कार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रुति लेख, व्याख्यान, निबंध लेखन, काव्य कार्यशाला, कथा कार्यशाला, काव्य पाठ, बाल कवि, श्लोक गायन, देश भक्ति गीत, साहित्य प्रश्नोत्तरी, दोहा, सकारात्मक भारत अभियान, संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मालूम हो कि हिंदी पखवाड़ा 1 सितंबर से शुरू हुआ था। तत्पश्चात बीते दिन 15 सितंबर को सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा अवसर। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दरभंगा जिले में श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में रोजगार मेला लगाना है। आपको बता दें कि यह रोजगार मेला दरभंगा जिले के रामनगर में लहेड़ीसराय ITI के पास संयुक्त श्रम भवन में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 21 सितंबर को बुधवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगाया जाएगा। इसमें कुल 11 कंपनियां शामिल होंगी, जिसमें कुल 160 सीटों पर नियुक्तियां करनी है। इसके लिए किसी भी उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको दरभंगा के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचना होगा। इसके बाद आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। इस रोजगार के लिए आयु सीमा 19 से 26 साल तक तय की गई है, जिसमें 8,000 से 20,000 तक का सैलरी दिया जाएगा। पटना सचिवालय भवन में लगी आग। आज पटना स्थित सचिवालय भवन में आग लग गई। यह आग सामान्य प्रशासन विभाग के चैम्बर में लगी थी। हालांकि सूचना देने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना के बाद आसपास के इलाकों में अफरातफरी मच गई। वहीं इस आग में हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी भवनों में आग लगने की यह घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी विश्वेश्वरैया भवन में भयंकर आग लगी, वो भी 2 बार। लेकिन आग लगती है, फाइलें जलती हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट बस आदेश के कागजों तक ही सीमित रह जाती है। CBI कोर्ट ने लालू यादव के पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश। आखिरकार लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर जाने का प्रोग्राम तय हो गया है। CBI कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है और अब लालू प्रसाद यादव अपने इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट का समय डॉक्टरों ने 26 सितंबर को दिया है। वहीं 21 सितंबर को लालू यादव सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं। मालूम हो कि पिछले कई दिनों से लालू यादव की तबीयत खराब चल रही है। मुंबई इंडियंस के हेड कोच बने मार्क बाउचर। IPL 2023 के लिए मुंबई इंडियंस ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर मार्क बाउचर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। मालूम हो कि मार्क बाउचर ने हाल ही में
साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप 2022 में कोचिंग की थी और इसी के साथ महिला जयवर्धने की जगह मार्क वाउचर को मिली है और महिला जयवर्धने को हाल ही में मुंबई इंडियंस का ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस नियुक्त किया गया है। वहीं मुंबई इंडियंस के हेड कोच की जिम्मेदारी मिलने के बाद वाउचर ने कहा कि मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त होना एक सम्मान और सौभाग्य की बात है। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,298 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 106 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 47 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 1,06,729 कोरोना सैंपल की जांच हुई है, जहां 111 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नूनू कुमार, रणधीर कुमार, शंकर मुखिया, राबिया बसारी, राजकुमार कुशवाहा, उमेश ऋषिदेव, अनवर करीम खान, गोस्वामी जी, रंजीत कुमार ठाकुर, के सिन्हा, भान प्रकाश मौर्य, गोल्डन कुमार और मोहम्मद जमील अशरफ। आज का सवाल है कि डेंगू जैसे गंभीर बीमारी से बचाव के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।